तीसरे चरण के पंच सरपंचों के चुनाव जारी हैं और सरपंच अपने समर्थकों को तरह तरह के लालच दे रहे हैं ताकि अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की नजर उनके द्वारा भोजनशाला पर पड़ने लगी है। ऐसा ही एक वाकया कल जोधपुर के पिपाण सिटी के गाँव में घटा है। कल गाँव में प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से रूट मार्च किया जा रहा था तो एक गाँव में सरपंच प्रत्याशी के चुनावी कैंप से सैकड़ों लोग भोजन कर रहे थे और कोई मास्क व सोशल दूरी नहीं थी। पुलिस और प्रशासन के वहां पहुंचने पर भोजन कर रहे थे समर्थकों में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे और थोड़ी ही देर में कैंप खाली हो गया। पुलिस ने वहां की पूरी वीडियोग्राफी की और एसडीएम के हवाले किया। इस मामले में एसडीएम ने सरपंच उम्मीदवार को नोटिस दिया। हमारे रिपोर्टर राम सिंह इंदा ने बताया कि पुलिस की वीडियोग्राफी देख लोग भोजन छोड़कर भाग गए। इस मामले को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव में सामूहिक भोजन करवाना आचार संहिता का उल्लंघन के साथ साथ कोरोना काल में महामारी एक्ट को नजरअंदाज करना माना जा सकता है।